अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे महकमा बल्दियात का अवामी सहूलियात के लिए बड़ा फैसला। सिविल रजिस्ट्रेशन फीसों में कमी और लेट अंदराज की मुद्दत बढ़ा दी। पैदाइश, मौत, शादी और तलाक की रजिस्ट्रेशन के लिए फीसों की तफसील, ये देखिए आपके सामने तमाम तफसीलात हैं। कंप्यूटराइज पैदाइश मौत और निकाह व इतलाक, पुरानी फीस थी 300, अब है जो तरमीम शुदा फीस है वो 200 हो गई है। पैदाइश का लेट अंदराज है, लेट अंदराज 60 दिन के बाद 7 साल तक, ये पहले 2000 था अब 200 है। पैदाइश का लेट अंदराज 7 साल बाद पहले 5000 था अब 300 है। अंदराज पैदाइश गैर मुल्की शहरी, 5000 पुरानी फीस है, अब इन्होंने इसमें अमेंडमेंट करके 2000 कर दिया है। पैदाइश का अंदराज बैरून मुल्क पैदा होने वाले पाकिस्तानी, 5000 पुरानी फीस थी, अब जो है अमेंडमेंट के साथ 1000 हो गई है। मौत का लेट अंदराज पहले 5000 था, अब इन्होंने तरमीम शुदा जो फीस है अब हो गई है 1000। दुरुस्तगी या तब्दीली के लिए अगर आप कोई भी मसला होता है दुरुस्तगी या तब्दीली के लिए, तो पहले पुरानी फीस थी 1000, अब हो गई है 500 रुपीज़। रिपोर्ट और पैदाइश अंदराज, कोई भी रिश्तेदार बच्चे की पैदाइश के 60 दिन के अंदर फॉर्म ए पूर करके मुतलका रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रिपोर्ट कर सकता है। ये इन्होंने इनकी हिदायत है। उसके बाद पहली ये था, उसके बाद दूसरी हिदायत है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट एंड स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन का कोई अफसर या हल्का मुतलका रजिस्ट्रेशन ऑफिस में बच्चे की पैदाइश की इतला दे सकता है। कोई भी स्कूल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई अफसर या अहलकार स्कूल में दाखिले के वक्त रजिस्टर ना होने वाले बच्चे की मुतलका रजिस्ट्रेशन दफ्तर में इतला दे सकता है। नंबर 4, इतला मौसूल होने पर रजिस्ट्रेशन ऑफिस पर लाजम है कि ज़ेली क़वाइद की दफ़ा 2 या 3 के तहत बच्चे के किसी मुतलका रिश्तेदार को पैदाइश के अंदराज के लिए सब रोल ए के मुताबिक दरख्वास्त देने के लिए कहे। नंबर 5, मुतलका रजिस्ट्रेशन ऑफिस पैदाइश के अंदराज के लिए ज़ेली दफ़ा 1 के तहत फराहम करदा मालूमात की तस्दीक करेगा और इसे फॉर्म ए पर रजिस्टर करेगा। मुतलका रजिस्ट्रेशन ऑफिस दरख्वास्त गुजार को इसी दिन सर्टिफिकेट जारी करेगा। ये देखें साथ इंग्लिश में भी इंफॉर्मेशन है, इधर से आप अच्छी तरह कर सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन फी 2022, बर्थ एंड डेथ एंड मैरिज एंड का पंजाब लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ बीन अनाउंस्ड तबिक रिलीफ पैकेजेस फॉर बर्थ डेथ एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एंड का LGCD अथॉरिटी हैज़ बीन शेयर्ड द न्यू चार्जेस फॉर कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन ऑफ डिलीवरी निकाह डाइवोर्स डेथ लोकल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन फी फॉर द बर्थ एंड डेथ एंड मैरिज एंड निकाह द लास्ट प्राइस एंड फी ऑफ सिविल रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड डिक्रीज्ड। तो आप ये अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन इधर से भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इनकी मुकम्मल लोकल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में मुकम्मल इधर इंग्लिश में भी तफसील दी गई है, तो आप इसको इधर से अच्छे से रीड भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें पता चल चुकी होंगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।